रूस के अंदर हुआ बड़ा विद्रोह, रूसी आर्मी पर हमले कर रहा है वैगनर ग्रुप। वैगनर के 30,000 लड़ाके मोर्चे पर तैनात हैं। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया है। वैगनर चीफ ने किया रूस के खिलाफ जंग का ऐलान। तो देखिए, वो वैगनर ग्रुप जो कि रूस के साथ मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ ये जंग लड़ रहा था, अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि बड़ा विद्रोह कर दिया है वैगनर ग्रुप ने और रूसी सेना पर अब हमले वैगनर ग्रुप की ओर से हो रहे हैं। रूसी आर्मी पर हमले कर रहा है वैगनर ग्रुप, जिस पर शायद ही किसी को विश्वास हो, वो खबर आ गई है रूस के अंदर ही बड़ा विद्रोह हुआ है। और ये विद्रोह किसकी तरफ से हुआ है? वैगनर ग्रुप की तरफ से। प्रिगोजिन की सेना रूस के खिलाफ ही युद्ध का बिगुल बजा रही है। वैगनर के 30,000 लड़ाके मोर्चे पर मौजूद है, रूसी आर्मी पर हमले कर रहा है ये वैगनर ग्रुप। और कई महीनों से नाराजगी चल रही थी वैगनर ग्रुप की, और अब जो खबर आ रही है वो विश्वसनीय नहीं है और कम से कम पुतिन के लिए बड़ा झटका है। वैगनर चीफ ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, एक नया मोर्चा खुल गया है रूस के खिलाफ, और ये किसी और का नहीं, यानी कि वैगनर ग्रुप जो अभी तक रूस के साथ लड़ रहा था यूक्रेन के खिलाफ बाखमुट की जंग में, जिस वैगनर ग्रुप ने बड़ी भूमिका निभाई, उसी वैगनर ग्रुप के 30,000 लड़ाके इस विद्रोह में शामिल हैं। रूस की सेना के खिलाफ वो हमले कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दरअसल उसी हमले की हैं, और ये अपने आप में इस पूरे वॉर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जब वैगनर के लड़ाके ही रूस के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं। रूस के अंदर एक बड़ा विद्रोह, ये बात बार बार कही जा रही थी कि क्या लंबे युद्ध के बाद रूस की सेना या रूस की सहायक सेनाओं में असंतोष है, तो कम से कम ये जो खबर सामने आ रही है इससे ये पता चल रहा है कि वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं उन्होंने रूस की सेना के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है जंग के मैदान से। वैगनर चीफ ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, और इससे पहले वैगनर चीफ प्रिगोजिन के कई ऐसे बयान सामने आए थे जिसमें हथियारों की कमी को लेकर के भी वो नाराजगी जता चुके थे, और साथ ही ये भी कह रहे थे कि जो ट्यूनिंग है वो सही नहीं बैठ रही है रूसी आर्मी के साथ। ऐसे बयानबाजियों के बीच इस बात की उम्मीद नहीं थी कि विद्रोह भी हो जाएगा वैगनर ग्रुप की ओर से। 30,000 वैगनर लड़ाके विद्रोह में शामिल हैं, और ये हमला किसी और पर नहीं बल्कि खुद रूस की आर्मी के ऊपर किया जा रहा है। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है वैगनर ग्रुप ने। रूस के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है, वो वैगनर ग्रुप जो कि पुतिन के साथ मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने आया था, अब वो खुद ही खिलाफ हो गया है पुतिन के। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, क्या इस बात का अंदेशा कहीं से भी था कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन पुतिन के खिलाफ हो जाएंगे, इतना बड़ा विद्रोह शुरू हो जाएगा? हेलो डॉक्टर, तनवी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तनवी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तनवी हर्बल क्लिनिक। जो वैगनर ग्रुप रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने आया था, वो आज खुद रूसी सेनाओं को मार रहा है। बिल्कुल अंजलि, अगर कहा जाए तो रूस के लिए कम से कम बीते एक साल में सबसे कठिन समय अभी चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये लगभग में भस्मासुर वाली स्थिति है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन जो कि पुतिन के सेफ हुआ करते थे, खाना बनाने का इंचार्ज थे, उनको पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी खड़ी करने के लिए इतने बड़े संसाधन दिए। उसके बाद वैगनर चीफ के नेतृत्व में पहले सोलेदार और बाखमुत में जब लड़ाई हुई, विजयश्री हासिल हुई, तो प्रिगोजिन एक तरह से इस युद्ध के पोस्टर बॉय बन गए थे। लेकिन प्रिगोजिन बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी है, अगर रूस में आज की तारीख में सबसे अधिक महत्वाकांक्षा किसी में है तो वो प्रिगोजिन में है। और प्रिगोजिन ने सीधे सीधे रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु के साथ टक्कर ली। लेकिन कल शाम में प्रिगोजिन ने जो बयान दिया वो अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाला था, जब उन्होंने ना सिर्फ रूस के रक्षा मंत्री को बल्कि रूस के ही यूक्रेन के साथ जंग पर सवाल उठा दिए थे। प्रिगोजिन ने ये कहा कि डोनबास में ये कहना कि यूक्रेन की तरफ से लोगों पर हमले हो रहे हैं, डोनेट्स सिटी पर हमले हो रहे हैं, ये सही नहीं है, ये रूस गलत कह रहा है। हालांकि मैं खुद डोनेट्स में रहा हूँ, मैंने यूक्रेन के हमलों को देखा है। तो उसके बाद से कहिए कि बीते कुछ घंटों में, यानी लगभग 12 घंटे के अंदर बहुत कुछ बदल गया। 12 घंटे के अंदर प्रिगोजिन रूस के सबसे बड़े दुश्मन बनते हुए दिख गए। वहीं दूसरी तरफ वैगनर आर्मी के जो लड़ाके हैं
वो बजाय दुश्मनों के लड़ने के अब उन्होंने रूस की सेना के साथ जंग शुरू कर दी। वो जंग जो अब तक केवल जुबानी जंग थी वैगनर चीफ की, वो जंग अब सीधे सीधे रूसी सेना के साथ वैगनर लड़ाकों ने कर दिया। तो एक जो कहा जाता था कि प्राइवेट आर्मी किसी की नहीं है, वो प्राइवेट आर्मी जो पैसे पर, जो ठेके पर युद्ध करने के लिए लड़ी जा रही थी, वो प्राइवेट आर्मी जिसे रूस की सेना ही हथियार देती थी, अब वो रूस की सेना के खिलाफ ही लड़ने लगी। और इसका फायदा ना सिर्फ अब दुश्मन उठा रहे हैं, यानी कि एक तरफ जहां वैगनर के लड़ाकों को नियंत्रित करना रूसी सेना के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कीव की तरफ से है यानी यूक्रेन की जो सेना है जो बॉर्डर पर मौजूद है, उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने भी बाखमुत और दूसरे डायरेक्शन में लड़ाई झोंक दी है। तो कह सकते हैं कि अंदर और बाहर दोनों तरफ रूस को अभी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रिगोजिन ने तो हफ्तों से इसके संकेत देने शुरू कर दिए थे, एक वीडियो भी आपको याद होगा जारी किया था प्रिगोजिन ने और सीधे सीधे निशाने पर लिया था रक्षा मंत्री को। जी हाँ बिल्कुल, देखिए वही मैं आपसे कह रहा था कि रूस की सेना के रक्षा मंत्री पर तो प्रिगोजिन लगातार हमले कर रहे थे और तब तक रूस में भी सबको यही लग रहा था कि ये केवल एक पावर फाइटिंग है, यानी कि प्रिगोजिन और सर्गेई शोइगु में नहीं बनती है। लेकिन कल शाम में जब उनका बयान आया, जब उन्होंने सीधे रूस पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि रूस यूक्रेन के साथ क्यों लड़ रहा है, बल्कि उन्होंने रूस के की जो दलीलें हैं उन सबको खारिज कर दी, तब सबको लगा कि प्रिगोजिन बागी हो गए। कल शाम में सबको लगा कि प्रिगोजिन बागी हुए और उसके बाद से प्रिगोजिन के लड़ाकों ने रूसी सेना पर ही हमला कर दिया और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मॉस्को से लेकर आपको रोस्टोव पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए ये खबर शायद पुतिन के लिए विश्वास करने योग्य ना हो, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वैगनर ग्रुप के जो वाहन हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं और तमाम चीज़ें हैं, वो मोबिलाइज की जा रही हैं अंजलि, और लगातार ये जो खबरें सामने आ रही है वो साफ बता रही हैं कि रूस के अंदर अब एक बड़ा विद्रोह हो चुका है। जी हाँ, पुतिन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये कि जो वैगनर ग्रुप उनके साथ मिल करके यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा था, आप देखिए हालात ऐसे है, ये मूवमेंट आप जो गाड़ियों की देख रहे हैं ये बख्तरबंद वाहन है, ये दरअसल वैगनर ग्रुप अब रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। 30,000 की संख्या में जो वैगनर सैनिक हैं वो अब रूसी सैनिकों के खात्मे पर उतर आए हैं, क्योंकि ऑर्डर मिला है सीधे वैगनर चीफ प्रिगोजिन से। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में बड़ी भूमिका वैगनर ग्रुप निभा रहा था, लेकिन अब इस विद्रोह के बाद बहुत बड़ी चुनौती है पुतिन के सामने। रवि,